ये KMC ने ये पूरा रोड डाला है अभी, और ये रोड देखें आप कितने बड़े स्पेस पर डाला है। देखें यहाँ पर ये रोड ख़त्म हो गया, इससे पहले आप ये तमाम ये वाली सड़क देखें कितनी खस्ता हाल है, जो पहले ही प्लांटेशन की गई थी, पर अभी आप देख सकते हैं किस कदर खस्ता हाल है। तमाम तर जगह पर मलबे ही मलबे का ढेर है। अस्सलाम वालेकुम, जुबा डिस्कवर में खुश आमदीद। इस वक्त मैं जेल चौरंगी की साइट पर मौजूद हूँ। एक कमाल का सीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। रोड बनाया गया है, कैसे बनाया गया है और कहाँ पर बनाया गया है वो मैं आपको बताऊँगा। ये आप देखें कि इस वक्त ब्रिज के नीचे ये मुकम्मल सड़क खस्ता हाल है, बड़े बड़े खड्डे हैं, एक अरसे से यहाँ पर यही हाल है। लेकिन KMC ने एक कमाल कर दिया और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन से हिस्से में सड़क डाली है, वो मैं आप तो लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले आप ये तमाम ये वाली सड़क देखें कितनी खस्ता हाल है, और लेफ़्ट साइड पे देखें किस तरीके से यहाँ पर मलबे का ढेर ही ढेर पड़ा हुआ है। काफ़ी बड़ी स्पेस है, अगर इस स्पेस पर कुछ प्लांटेशन हो जाए तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। देखें ये मेन शारा है जेल चौरंगी का, यहाँ से सिविक सेंटर दूर दूर से लोग, बड़े 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 ममालिक से लोग आते हैं। क्या इम्प्रेशन पड़ेगा ये आप तमाम दोस्तों को पता ही है। देखिए ये सड़कें हैं, ये पूरी सड़क मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और इस सड़क की ये सूरत हाल है अभी, और ये मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से टर्न लूँगा और आपको दिखाऊँगा कि KMC का कमाल क्या है। KMC ने जो है रोड डाला है और बहुत बड़ा एहसान कर दिया है आवाम के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कितने बड़े हिस्से में रोड डाला है। यहाँ से ही मैंने ये टर्न लिया, ये देखें मैंने यहाँ से टर्न लिया उल्टे हाथ पे, और ये है मेन जेल चुरंगी। ये फ्लाईओवर आप देख सकते हैं, और ये मेन जेल चुरंगी है। यहाँ पर BRT रेड लाइन का प्रोजेक्ट भी सेंटर से तैयार हो रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ से मैं सीधा अगर जाऊँगा तो सिविक सेंटर का एरिया आएगा, और सिविक सेंटर के बिल्कुल थोड़े से आगे गुलशन इकबाल भी वाज़े ही नज़र आता है। और ये देखें ये इतना बड़ा स्पेस है यहाँ पर भी, जो पहले ही प्लांटेशन की गई थी, पर अभी आप देख सकते हैं किस कदर खस्ता हाल है। तमाम तर जगह पर मलबे ही मलबे का ढेर है। अगर ये बनाई गई जगह पे ये हाल है, अगर इन थोड़ा सा अगर काम यहाँ पर किया जाए तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होगा यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए। काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा यहाँ से लोग गुजरते हैं। देखें ये पूरी चौरंगी की जो है ना ऐसी की तैसी हुई हुई है। आप ये देखें ये पूरी चौरंगी जो कि पिछले दिनों बनाई गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं घास वगैरह उगी हुई हैं। अच्छा मैं आपको वो हिस्सा दिखाता हूँ जिस हिस्से में इस वक्त KMC जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसने यहाँ पर ये रोड वोड डाला है, और मैं दिखाता हूँ। देखें यहाँ से ये रोड शुरू हुआ है, ये रोड डालना शुरू किया है इन्होंने यहाँ से, और यहाँ से ये रोड शुरू करा है और यहाँ पर ये रोड को ख़त्म कर दिया। उनको ये हिस्से का रोड याद रहा, और पूरी जितने भी इस वक्त ये देखें मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाता हूँ, और दिखाने के लिए सिर्फ मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ। ये देखें ये KMC ने ये पूरा रोड डाला है अभी, और ये रोड देखें आप कितने बड़े स्पेस पर डाला है। देखें यहाँ पर ये रोड ख़त्म हो गया, और मैंने अभी आपको खस्ता हाल सड़क दिखाई है बाकायदा कि किस कदर अभी खस्ता हाली का शिकार है सड़कें। और लेकिन ये जो सड़क है ये माशाल्लाह बहुत काबिल सड़क है, यहाँ से गुज़रना आवाम का ज़्यादा होता है, और जो मैंने सड़कें अभी दिखाई हैं उस सड़क से लोग नहीं गुज़रते, तो इसलिए वो सड़क शायद नहीं डाली। इसीलिए दिखाने का सिर्फ मकसद इतना है कि आप तमाम दोस्तों को पता चल सके कि इस वक्त KMC किस तरीके से काम कर रही है। देखें अगर हम नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर इस वक्त क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं इदारे के ऊपर ब्लेम नहीं करता, लेकिन इदारा तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम तो देता होगा ना, कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता होगा, वो किस तरीके से करता होगा, हिदायत उसको क्या दी जाती होगी, उस तरीके से काम भी किया जाता होगा। लेकिन इस वक्त देखें बड़े अफसोस की बात है, ये इतने से सड़क पे ये रोड डाला गया है, और पिछले दिनों साथ वाले रोड पर रोड का काम किया गया था, लेकिन वो भी मैंने आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया था, लेकिन इस वाले रोड पर
जो इस वक्त पेड़ पौधे हैं और जो बड़ी काफ़ी बड़ी स्पेस है, उस स्पेस पर अगर प्लांटेशन का काम अच्छे से हो जाए तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट आएगा। उसके साथ ये देखिए रोड डाला गया था, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा आप लोगों को ये रोड की सूरत हाल आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, ताकि आप तमाम दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि सड़कें इस वक्त कहाँ कहाँ बन रही हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है जेल चौरंगी की। अगर जेल चौरंगी की आस पास चारों तरफ अगर आप नज़र उठा के देखें तो आपको खस्ता हाली सड़क भी नज़र आएगी। उसके साथ मेन रोड पर आए तो आपको मेन रोड पर भी खस्ता हाल सड़क वाज़े ही नज़र आएगी। तो ये इस वक्त रोड की सूरत हाल है। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने मेज़बान को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।